नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। ग्वालियर में प्राइवेट नर्सिंग होम मंगल नर्सिंग होम में लालजी शर्मा नामक एक व्यक्ति के बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। वास्तव में मंगल नर्सिंग होम में पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें अधिकतर बच्चे रहे हैं। पहले भी एक बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाकर उस बच्चे को मार दिया गया था, ऐसा कहना हिंदू महासभा के लोगों का है। मंगल नर्सिंग होम की गलती के कारण हुई बच्चों की मृत्यु के कारण आज बच्चे के पिता लालजी शर्मा ने हिंदू महासभा के साथ मंगल नर्सिंग होम की शव यात्रा निकाली। वास्तव में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही घटिया है, जिस कारण से लगातार लोगों की मृत्यु होती जा रही है। इस समय प्राइवेट नर्सिंग होम में किस हद तक धोखाधड़ी और लूट का जमाना आ गया है कि मंगल नर्सिंग होम में पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य मार दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की गलती भी दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ के वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग की गलती के कारण ऐसे डॉक्टरों को मिलती है। इसी बात से खफा होकर आज मंगल नर्सिंग होम के खिलाफ हिंदू महासभा के अधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक रैली निकाली, जिसमें मंगल नर्सिंग होम की चिता बनाई गई और उस चिता को आग लगाया गया। यह कदम यह दिखाता है कि वास्तव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नाकाम साबित हुए हैं और वे सिर्फ घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। ये बड़ा जोर शोर से कुछ जुलूस देखा हमने विभाग पे, क्या था ये बताएं। ग्वालियर शहर के अंदर एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है मंगल नर्सिंग होम, जिसमें बताते हैं एक बच्चों का इलाज होता है। उसका संचालक है डॉक्टर दीपक अग्रवाल, जो कि हमें जो जानकारी में आया, जो देखने को मिला है और जो हमने आंखों से देखा है, आए दिन वो उस हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की हत्या करता है। व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ पे बचाने के लिए ले जाता है और ये उसकी हत्या करके और डेड बॉडी अपने उनके परिजनों को संभाल देता है। ऐसी कई घटनाएं और कई लोग हमारे साथ आए जिन्होंने हमें आप बीती बताई। आज हमने सबने निर्णय लिया और इसकी अर्थी इसके मंगल नर्सिंग होम के द्वार GDA ऑफिस के पास से उठा के और फूलबाग में ला के और सबके बीच में इसकी अर्थी जलाई। और ये अर्थी इसलिए जलाई हमने और ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसे कमीने इंसान को इस संसार में कभी जन्म ना दे दोबारा। क्या चाहते हैं प्रशासन, क्या कार्रवाई करे? प्रशासन से चाहते हैं कि इसके हॉस्पिटल को जल्द से जल्द सील किया जाए ताकि आने वाले भविष्य में किसी बच्चे की जान ना जाए। सीएमएचओ साहब के सामने पहले भी कई इस तरह के मामले पहुंच चुके हैं इसी के संबंध में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बारे में क्या कहना है आपका? दो दिन पूर्व हम सीएमएचओ साहब से मिले और सीएमएचओ साहब ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया है। अगर सीएमएचओ साहब 7 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो बड़ी संख्या में जनता रोड़ों पे उतर कर और जन आंदोलन करेगी और इस हॉस्पिटल को बंद करा के रहेगी। अच्छा, तो भाई साहब क्या घटना घटित हुई आपके साथ? घटना वैसे तो आप लगभग सभी के आगे हो चुकी है। 14 जुलाई को मेरी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चे दिए थे। बच्ची का वेट चूंकि कम था तो प्रिकॉशन के तौर पे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप किसी नर्सरी में रख लीजिए 1-2 दिन के लिए। तो हमने मंगल नर्सिंग होम में 14 जुलाई को भर्ती कराया। दोनों बच्चों की स्थिति पूरे 1 हफ्ते तक बढ़िया थी। 19 तारीख को जब डिस्चार्ज करने की बात की गई तो उस दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया और अगले दिन रात में जो भी घटनाक्रम हुआ हो, जब 20 तारीख को हम आते हैं तो पता चला कि बच्चे की हालत खराब हो गई है। थोड़ी देर बाद वेंटिलेटर पे डालने की सूचना मिली और उसके बाद उसी दिन से ब्लड और प्लाज्मा चढ़ने का सिलसिला चला, जो पूरे 31 दिन तक चला। बच्चे के साथ जो घटनाक्रम हुई उसकी जानकारी डॉक्टर ने हमें नहीं दी, गुमराह करता रहा। हमने जब ट्रांसफर कराने की भी कोशिश की तो वहाँ एम्स की टीम को भी गुमराह किया और ये मैसेज दिया कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जब हमने वहाँ बात कराई तो बोला बच्चा मूविंग कंडीशन में थी। इस तरह से पूरे 31 दिन तक मंगल नर्सिंग होम ने लूट मचा के रखी और लास्ट में बच्चे की जान ले ली। तो आप आज यहाँ क्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं? हम जो है प्रशासन की आँख खोलने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ पहले से भी बहुत सारी शिकायतें हैं और इसी तरह की घटनाएं रिपीट हुई हैं कंटिन्यूस। मुझसे पहले एक तो उमर साहब हैं, उनके बच्चे के साथ सेम कहानी हुई थी। जब उन्होंने डिस्चार्ज करने की बात करी अगले दिन यही हुआ और करीब 1.5-2 महीने तक बच्चे को रखा और कंकाल बनाने के बाद उस बच्चे के पिता को बोले कि अब आप नहीं जा सकते हैं। उनका वाद विवाद हुआ, उसके बाद वो दिल्ली लेकर चले गए तो उनका बच्चा आज जीवित है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बच्चे को नहीं निकाल पाया कई प्रयास करने के बाद भी, और लास्ट में इन्होंने बच्चे की जान ली।